राजीव जातीय जनगणना यह मुख्य मुद्दा विपक्ष ने तो क्लियर कर दिया है और जब कल तारीखों का जिस दिन ऐलान होता है उसी दिन कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को लेकर पांच राज्यों में जाना अपने कांग्रेस शासित, शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराने की बात कहना केंद्र में जातीय जनगणना को लेकर दबाव डालने की बात करना यह कल कहते नजर आए उधर विश्वकर्मा योजना को लेकर अमित शाह बड़ी मीटिंग विश्वकर्मा समाज के लोगों से करते नजर आते हैं अब ऐसे में अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो मुद्दा नीतीश कुमार का था जातीय जनगणना की शुरुआत बिहार से होती है जिसे लपक लिया कांग्रेस ने अब ऐसे में मैं ये समझना चाहूंगी क्योंकि जो 80 बीस की लड़ाई लगातार बीजेपी करती रही अब उसके सामने विपक्ष की है पिचासी पंद्रह की लड़ाई क्या यह माने कि ना सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि जो विधानसभा चुनाव है वो भी अगड़े पिछड़ों की इसी राजनीति धर्म वर्सेस जाति इसी पर लड़ा जाएगा राजीव देखिए पूजा समय काल परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति के मुद्दे चेंज होते रहते हैं और जनता का मूड और माहौल भी बदलता रहता है अभी आप देखें जो जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि उनके उनके द्वारा शासित राज्यों में अब जनगणना शुरू कराई जाएगी अभी आपको मालूम है 2015 में कर्नाटक में जो उनके राज्य में है जातिगत जनगणना करवाई गई अब उसके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर सिद्धारमैया कह रहे हैं कि देखने के बाद उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि जातिगत जनगणना इसका जो इसका जो आ, आउटकम आता है जिसका जो निष्कर्ष और निर्णय आता है वो उसके बाद आपको क्या कार्रवाई करनी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अभी आप बिहार में देखिए जातिगत जनगणना हुई बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए कि ये जातिगत जनगणना कैसी हुई जब आ, बहुत लोगों के घरों तक लोग आए ही नहीं उनसे कुछ पूछा ही नहीं और कैसे डेटा फीड कर दिया और दूसरी बात अब जातिगत जनगणना के, के आंकड़े तो आ गए हैं अब आर्थिक सामाजिक आधार पर फैसले सरकार क्या लेगी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आ, दूसरी बात कि शुरू से मैं आपके कार्यक्रम में कई बार और हजारों बार ये कहता रहता हूँ कि शाहबानो प्रकरण के बाद उन्नीस के बाद देश की राजनीति में धर्म का धर्म का मसला आ, कोर हो गया धर्म की राजनीति कोर हो गई जो नवासी में आ, जा कर के राम मंदिर के तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी ने राम रथ यात्रा निकालने का फैसला किया और तमाम उस वक्त जो लोग भारतीय जनता पार्टी से मुखालफत रखते थे और जो सेकुलर तथा कथित सेकुलर पार्टीज़ थी उन लोगों ने इसकी तोड़ के तौर पर कहते हैं कि मंडल आयोग को लाने का काम किया हालांकि मंडल आयोग कई दूसरी वजहों से भी लाया गया था विश्वनाथ प्रताप सिंह और देवीलाल की जो कड़वाहट थी उस समय की सरकार में उसका भी एक आ, आ, आउटकम मंडल आयोग की सिफारिश के तौर पर आया दूसरी तरफ विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी कुछ लोगों के कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में सरकार की बागडोर या पूरे सिस्टम की बागडोर को तोड़ने के लिए वो कॉकस के लिए बड़ा उस समय के हिसाब से साहसिक फैसला किया था और उसका असर उत्तर भारत की राजनीति पर बहुत तेज़ देखिए दक्षिण में तो अगर आप तमिलनाडु के देखेंगे तो शुरू से ही जाति की आधार पर राजनीति बहुत तेज़ी से चल रही थी लेकिन उत्तर भारत में धर्म और जाति की राजनीति नब्बे के दशक से शुरू होकर अब परवान तक पहुंच गई है और उत्तर भारत में जो लोकसभा की सीटें हैं वो बहुत हद तक दिल्ली की सीट का दिल्ली की कुर्सी का निर्धारण करते हैं लेकिन एक फ़र्क देखने में आता है मैं ये भी कहने में गुरेज नहीं रखता कि नब्बे के दशक में जब मुलायम सिंह और काशीराम राम ने आ, हाथ मिलाया था दर्शकों को ये भी बता दें कि काशी राम की पुण्यतिथि कल थी यानी 9 अक्टूबर मुलायम सिंह की पुण्यतिथि आज है यानी 10 अक्टूबर तो ये दोनों के निधन एक दिन के अंतर पर हुए हैं और यही दोनों नेता काशी राम और मुलायम सिंह यादव जब नब्बे के दशक में उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया था उन्होंने तब नारा लगता था कि मिले मुलायम काशी हवा में उड़ गए जय श्री राम ये उस वक्त की उनके जनाधार की उनके मुद्दे की और उनके राजनीति की इतनी मजबूती थी जो ये नारा वो दे सकने में कामयाब हुए और उसके बावजूद उन्होंने ये नारा देने के बाद आ, आ, हाथ मिलाने के बाद प्रचंड राम लहर के दौरान भी वो उत्तर प्रदेश की सरकार पर काबिज हो गए एक बात ये दूसरी बात यह है कि आज का भारतीय जनमानस आज का राजनीतिक माहौल देश का उत्तर भारत का ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी जातिवादी पार्ट की बात करने वाले जातिगत जनगणना की बात करने वाले नेताओं में भी अब वो साहस नहीं है कि वो इस तरह का नारा दे सके क्योंकि पिछले दस वर्षों में देश की राजनीति को धर्म के इर्द गिर्द इतना घुमाने में कामयाब हुई है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और नेतृत्व वाली बीजेपी कि अब मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई भी आदमी इस तरह का नारा दे सकेगा और धर्म की राजनीति या सनातन की बात करते करते बीजेपी अब वहां तक पहुंच गई है जहां तक उसके पिच पर जाके खेलना विरोधी दलों के लिए संभव नहीं है इसलिए इन्होंने शुरू से ही ये मापदंड बनाया हुआ है कि धर्म की कार्ड को तोड़ने के लिए जाति का कार्ड खेलना पड़ेगा और ये बीजेपी को असहज करता भी है बीजेपी उसको दूसरे तरीके से खेलती है जातिगत समीकरण साधने और मापने में बीजेपी का भी कोई जोड़ नहीं है भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण के लिए कुछ भी करने को तैयार है आप देखिए संजय निषाद की पार्टी आप देखिए ओम प्रकाश राजभर को सैक करना मंत्रालय से उत्तर प्रदेश से फिर उनको वापस जोड़ लेना आप देखिए अनुप्रिया पटेल को लेना आप देखिए बिहार की सब छोटी छोटी पार्टियों को अपने पक्ष में लामबंद करना यह सब भारतीय जनता पार्टी भी जातिगत समीकरण को साधने के लिए ही करती है ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ धर्म का कार्ड खेलना है लेकिन मुखर तौर पर नहीं है वो उसका चेहरा नहीं बनता है जबकि विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में घेरने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा लेकर के आगे आ रहे क्योंकि उन्हें ये लगता है कि धर्म का जाति की जाति का कार्ड हो सकता है बिल्कुल और वही होता हुआ नजर आ भी रहा है राजीव जिस तरह के बयान जिस तरह की घोषणाएं योजनाएं दोनों ही सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से की जा रही है इसी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा को